नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। डेरा सच्चा सौदा से हम आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें। हमारे साथ मीनू जी हैं जो प्रिंसिपल हैं एक स्कूल के। इनसे बातचीत करते हैं कि डेरा सच्चा सौदा में आने का क्या कारण है, इनका क्या सोचते हैं। आज ये 4 साल होने वाले हैं लगभग संतों के गुरमित राम रिम सिंह किंसा समाज में नहीं है। आज ये उनके बारे में क्या सोचते हैं, सीधे सवाल इनसे करते हैं। नमस्कार मैम, आप आश्रम में डेरा सच्चा सौदा आश्रम को कितने समय से जानते हो? मैं तो जी बचपन से ही। बचपन से? हाँ जी, बचपन से आप आश्रम में आती भी हो? हाँ जी, हमारी पूरी फैमिली ही स्टार्टिंग से ही डेरा सच्चा सौदा साथ। कैसा महसूस करते हो मैम यहाँ पर आकर? यहाँ आकर बहुत खुशी मिलती है। एक दिन भी हम यहाँ ना आए ना तो ऐसे लगता है, पता नहीं, जैसे एक बच्चा अपने घर स्कूल से घर जाता है तो घर जाना भूल जाते हैं ना, वैसे लगता है कि हम अपने घर जाकर नहीं आए। यहाँ आना तो बहुत अच्छा लगता है। लेडीज़ की सेफ्टी कैसी है मैम? बहुत ज़्यादा सेफ्टी है जी यहाँ पे। यहाँ पे इतनी ज़्यादा इज्जत मिलती है लेडीज़ को, बड़ों को माता की तरह बोलती हैं, बहन बराबर की हैं तो भाई बहन की तरह सब, और अपने से छोटों को बच्चों की तरह ट्रीट किया जाता है जी। यहाँ बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर, उनको बहुत खुशी मिलती है यहाँ आकर। मैम आपकी आस्था कितनी है आज आश्रम? मेरी आस्था बहुत है जी, मैं तो इस आश्रम के बिना कुछ भी नहीं हूँ। मेरे साथ इतने बड़े बड़े कृष्णे हुए हैं ना कि शब्द ही नहीं है कि हम पिताजी को थैंक यू कह सकें, गुरुजी को थैंक यू कह सकें, लफ्ज भी कम पड़ जाएंगे। शायद यूँ लगता है कि आज जिंदा हैं, ये सांसें भी चलती हैं ना, तो ये आज उन्हीं की रहमत ही है। आपकी आस्था क्यों है, मतलब आपकी लाइफ में ऐसा क्या चेंजेस आए जो आज भी आप उनके ऊपर आस्था रखते हैं? चेंजेस तो बहुत हैं, हम तो कुछ भी नहीं जी, काफ़ी थे समझो तो। पिताजी ने इतनी रहमत की है, हर अच्छे बुरे की पहचान अब दिल से होने लगी है। सबके प्रति कैसे वफादारी, ईमानदारी, ये सब कुछ पिताजी ने ही सिखाया है। अपने घर में रह के कैसे कर्तव्य निभाने हैं, ये सब कुछ भी पिताजी ने ही निभाया है। बड़ों की इज्जत कैसे करनी है, ये सब कुछ उनकी दया में रहमत से हम सीख पाए हैं। अगर हम आश्रम ना आते तो शायद हम आज ये कुछ सीख भी ना पाते जो उन्होंने हमें एक टीचर एक गाइड होकर हमें सब कुछ उन्होंने ही सिखाया है। वुमेंस की समस्याएं बहुत हैं सोसाइटी में, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। आप आश्रम में आते, कुछ है यहाँ पर ऐसा अलग जब वुमेंस के लिए अच्छा किया जाता हो? मीडिया में तो काफ़ी अलग दिखाया जा रहा था, लेकिन आप जो बोल रहे हैं तो क्या अच्छा, क्या पॉजिटिव यहाँ आश्रम में आपको मिलता है? वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कैसे कार्य किए जाते हैं? वुमेन के लिए बहुत कार्य किए जाते हैं, जैसे कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए सबसे बड़ा जो है आज के टाइम में स्वाभिमान हर लड़की को होना चाहिए, तो वो इंडिपेंडेंट ऐसे ही बनेगी। अगर वो वेल एजुकेटेड होगी तो उसको पढ़ाई के लिए किया जा रहा है गाइड, पढ़ लिख कर बच्चा अपने पैरों पे। देखा जाए तो यहाँ स्कूल में आजकल बच्चे योगा में आगे आ रहे हैं, स्टडी में मेरिट ला रहे हैं, गोल्ड मेडल ला रहे हैं, तो वो बेटियाँ बेटों से कहीं ज़्यादा आगे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी देन है सच्चा सौदा की। और सोसाइटी के लिए संत जी का कोई कंट्रीब्यूशन है? बहुत है मैम, पर्यावरण के लिए है सबसे बड़ा, जैसे कि पेड़ पौधे लगाओ, ये सबसे बड़ी है। अगर आज के टाइम में अगर गुरुजी मोटिवेट ना करते कि आप पेड़ पौधे लगाओ, तो हमें यूँ लगता है कि जैसे लास्ट कोरोना के टाइम में, कोविड के टाइम में, जैसे ही ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे थे, तो अगर पेड़ ना होते तो शायद इससे और ज़्यादा लॉस होता, और भी ज़्यादा लॉस हो सकता था, जो कि हमारे पर्यावरण के कारण अब काफ़ी हद तक संभल भी गया है गुरुजी की दया में रहमत से। और जैसे उनका दिया हुआ है अपना सफाई महाअभियान, वो पृथ्वी साफ मिटे रोग अभिशाप, अगर पृथ्वी साफ है तो बीमारियां कम होंगी। ये भी अब कोविड में हमें देखने को मिला कि हर जगह सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। क्या मैम आपको लगता है अब सोसाइटी को संत जी की सोसाइटी में वापस आने की उनकी ज़रूरत है? 100% 200% उनकी ज़रूरत है जी। अगर हमारा यूथ जैसे हम थे, हमारे टाइम में हम गुरुजी के लगे हुए थे आश्रम में, तो हम आज बिल्कुल सही हैं। लेकिन आज का यूथ बच्चे जो न्यू जनरेशन है, उनके लिए गुरुजी का आना बहुत ज़रूरी है, वरना आने वाले टाइम में यूथ का कोई फ्यूचर हमें दिखता नहीं है। क्योंकि बच्चों को वो सारी शिक्षाएं, अच्छी शिक्षाएं जो गुरुजी ने इस समाज को दी हैं, कोई और दे नहीं पाएगा जी। 4 सालों में प्रभाव क्या पड़ रहा है समाज के ऊपर? बहुत फ़र्क पड़ रहा है उनके ना होने का। दुनिया में अब नशे कोई कम करवाने के लिए नहीं है, दुनिया
में अब बहुत और बुरे काम जो हो रहे थे वो कम करवाने के लिए कोई नहीं है, ये प्रभाव पड़ा है। एक तरफ उनके सोशल वर्क्स हैं जिस तरीके से आप बताते हो, दूसरी तरफ उनके ऊपर काफ़ी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप? जी ये सारे एलिगेशंस तो बेबुनियाद हैं जी, हम मानते हैं क्योंकि हम तो जन्म से ही यहीं से जुड़े हैं, पहले दिन से यहाँ सब कुछ देख रहे हैं। आज आई थिंक मेरी एज भी 33 इयर्स हो गई है, तो मुझे 33 इयर्स में मैंने भी देखा है, छोटे होते से आ रहे हैं तो हमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं। ये बेबुनियाद है, हर चीज़ को मीडिया का झूठ बनाकर दिखाना ये सब कुछ गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरुजी का नेचर कैसा है? गुरुजी का नेचर तो बहुत अच्छा है जी, वो अपने बच्चों की पल पल संभाल करते हैं, हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बात हमारे मन के अंदर होती है लेकिन वो काम पूरे हो जाते हैं जी, इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। उनका करेक्टर कैसा है? बहुत अच्छा है जी, जैसा एक बाप बेटियों को अपने बाप के लिए चाहिए जी, उनका तो उनसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा करेक्टर है। क्या अपील करोगे सरकार से आप उनके लिए? यही कि आप जल्दी से जल्दी हमारे डॉक्टर एम एस जी को हमारे बीच भेज दो, उनके बिना तो उनके बच्चे कुछ भी नहीं हैं जी, ये समाज भी कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हो कि ये समाज आगे बढ़े और पहले की तरह हमारा देश तरक्की करे तो उनका आना बहुत ज़रूरी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार जनता की अपील किसन डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जी, उनसा की इस समाज को इस देश को सब जरूरत है, जल्द से जल्द वो समाज में वापस आने चाहिए। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत